विज ने नैनो नेता अभय चौटाला की तरफ से दिए गए बयान पर पलटवार किया है। अनिल विज ने कहा कि प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, मगर इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपको बता दें कि अनिल विज चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान विज ने यह भी कहा कि हिंसा के लिए किसी को भी भड़काने नहीं दिया जाएगा, किसी को भी किसी भी कीमत में हिंसा नहीं करने दी जाएगी। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा। क्या आपको लगता है कि कुछ ये भड़काने वाली बात है या इस पे कुछ संज्ञान होना चाहिए? देखिए, आंदोलन चल रहा है और प्रजातंत्र में आंदोलन करने का सबको अधिकार है। जी सर, लेकिन इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है और ना ही हिंसा के लिए किसी को भड़काने दिया जाएगा और ना किसी को हिंसा करने दी जाएगी। आप आंदोलन करिए, आप अपने प्रोग्राम करिए, दूसरी पार्टियों को भी अपने प्रोग्राम करने का अधिकार है, आपको उनके कार्यक्रमों में विघ्न डालने का अधिकार नहीं है, तो ये छूट नहीं दी जा। तो कोई नसीहत देंगे सर जो ऐसे नेताओं को जो अभय चौटाला जिस तरीके से बोल रहे हैं सार्वजनिक मंच से? बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए। हमें अपना आपसे जो भाईचारा है वो तो बना के रखना है ना, वो तो नहीं खराब करना ना किसी भी प्रकार से। आंदोलन चलते हैं, बड़े लंबे लंबे आंदोलन चलते हैं, आप चलाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।